हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, जिनमें से हम 14 घंटों का इस्तेमाल अपने कंट्रोल के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उसके अगले स्टेप की कि किस तरीके से हम अपने टाइम को यूज़ करेंगे और उसको पैसे में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बात आती है कि आपका समय कितना कीमती है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर बात की जाए, आज के दौर में कहा जाता है कि समय ही धन है, लेकिन ऐसा कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि दोस्तों, समय धन है ये तो मान सकते हैं, लेकिन समय सिर्फ संभावित धन है, यानी कि आप अज्यूम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि समय का अगर आप सदुपयोग करेंगे तो आप धन कमा सकते हैं, अगर आप समय का दुरुपयोग करेंगे तो आप धन कमाने की जो संभावना है उसको गवा भी सकते हैं। क्या आप एक्यूरेट जानते हैं कि आपका जो समय है वो कितना कीमती है? अगर नहीं, तो एक फार्मूला है हमारे पास, उस फार्मूले को इस्तेमाल करके आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो समय है वो कितना कीमती है। फार्मूले को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपका एक घंटे का मूल्य कितना है इजिकल टू आपकी जो टोटल आमदनी है और डिवाइड बाई आपके जो काम के घंटे हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, यानी कि अपनी आमदनी को अपने काम के घंटों से डिवाइड करने पर आप अपने वर्तमान एक घंटे का मूल्य निकाल पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आपका समय आपके लिए कितना कीमती है। मान लीजिए आप किसी एक जॉब प्रोफेशन में हैं या आपका सेल्फ बिजनेस है जिससे आप महीने के 20,000 रुपये तक कमाते हैं, और मान लेते हैं कि आप पूरे महीने के 25 दिन इस काम को करते हैं और लगातार 8 घंटे काम करते हैं, 25 दिन 8 घंटे के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे काम के जो घंटे हो गए वो 200 घंटे हो गए। और इस तरीके से हम मान लेते हैं कि जो हमारी आमदनी है वो 20,000 रुपये है, यानी कि अगर हम जब डिवाइड करेंगे 20,000 को 200 घंटों से तो हमारा एक घंटे का जो मूल्य निकल रहा है वो 100 रुपये। कहने का मतलब ये है कि हम एक घंटे में 100 रुपये कमाते हैं। अब इसी एक घंटे के मूल्य को अगर हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं, यानी कि अगर आप एक घंटा रोज़ बर्बाद करते हैं तो आपका रोज़ 100 रुपये का एक नुकसान हो रहा है। अगर हम इसको एक साल से गुणा करेंगे तो लगभग आप मान सकते हैं कि एक साल में आपने 36,000 रुपये का नुकसान किया। अगर इसी तरीके से हम मान लें कि अगर आप दो घंटे रोज बर्बाद करते हैं तो आपका एक साल का जो नुकसान होगा वो आपका 72,000 रुपये का होगा। इसी फार्मूले के तहत आप आगे भी अपने समय को कैलकुलेट कर पाएंगे और आपकी तब जाकर एक सोच डेवलप होगी कि आप कितने का अपना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं अपने समय को बर्बाद करने के साथ साथ। और हो सकता है हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप आज से ही अपना समय बर्बाद करना बंद कर दें, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा और हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर अपने समय का मूल्य ज्ञात हो जाए तो वो हो सकता है अपने वर्तमान मूल्य से संतोष नहीं हो और अपने उस मूल्य को, जैसे कि मान लिया एक घंटे का 100 रुपया निकला, तो वो अपने एक घंटे के 100 रुपये से संतुष्ट नहीं है तो वो अपने एक घंटे के मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो कुछ न कुछ नया करने का उपाय निकालेंगे और नया करने का सोचेंगे जिससे कि उनके एक घंटे का मूल्य बढ़ पाए। और दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आप इस फार्मूले को एक बार अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा और आप अपने समय को लेकर एकदम सतर्क हो जाएंगे और आगे जीवन में समय को बर्बाद करना बिल्कुल छोड़ देंगे। साथ साथ आप अपने समय को बेहतर उपयोग करने के लिए अलग अलग तरीके के खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा उपाय खोजेंगे और ये सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आपकी समय की यानी कि टाइम की वैल्यू क्या है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि आपके समय का हर एक मिनट बहुत ज़्यादा मूल्यवान और कीमती है।
उसको बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे थे आज तक, ये आपको ज्ञात हो जाएगा। जिन चीज़ों को मनुष्य अपने जीवन में खर्च कर सकता है उसमें सबसे मूल्यवान चीज़ जो है वो है समय। दोस्तों यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम इज़ मनी। समय आपके जीवन का एक सिक्का है और यह आपके पास मौजूदा इकलौता सिक्का है और इसको आप ही सिर्फ तय कर सकते हैं कि इसको कैसे खर्च किया जाए। इसके लिए आप हमेशा सतर्क रहें वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो में बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में अपना नाम दें और कौन से टॉपिक आपको अच्छे लगे हैं, कौन कौन सी लाइन आपको और कौन सी बात आपको अच्छी लगी है ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को साझा करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।